नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी के ट्रेड टेस्ट में यहाँ पर एक कैंडिडेट का और हो चुका है और इनकी ट्रेड जो थी वो थी स्वीपर। स्वीपर से इनका ट्रेड थी और इन्होंने दिल्ली में अपना ट्रेड टेस्ट दिया है। हालांकि ये डिस्क्वालीफाई रहे हैं, लेकिन इनका जो ट्रेड टेस्ट है क्या उन्होंने करवाया है और क्या वहाँ पर करवाया जा रहा है, कैसी धांधलीबाजी कराई जा रही है, दोस्तों इन्होंने काफ़ी बखूबी इस वीडियो में बताया है। आप लोग इसको ज़रूर सुनिए और जो जो भी वहाँ पर करवाया जा रहा है आप लोग उसको बहुत ही अच्छी तरह से अपने ऊपर अप्लाई कीजिए ताकि वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई ना हो। सो गाइस, ये वीडियो को चलिए सुनते हैं, जो रिकॉर्डिंग है बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। सर, मैं एग्जाम प्री चैनल यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। सर, सर आपसे ज़रा जानकारी लेनी थी, जो आपका आईआरपीएफ एंसिलरी का ट्रेड टेस्ट हुआ है। अच्छा सर, तो सर दरअसल मैं एग्जाम प्री यूट्यूब चैनल के नाम से मेरा चैनल है, तो वहाँ पर आपका अगर एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहें कुछ कैंडिडेट के साथ में, तो आप क्या करना चाहेंगे? सर, अच्छा सर, सर पहले ज़रा स्टार्टिंग से बताइए कि आपका कहाँ पर था, कहाँ पर किस दिनांक को था, ये सब बताइए सर। सर, हमारा 20 तारीख को था और दिल्ली था, ओके सर। हाँ तो सर, इसको हुआ था हमारा, तो वहाँ पे गए थे, उनको 20 तारीख हमारा था, क्या नाम है, वो बाहर 5:30 के टाइम दिया ना। हाँ, जी, टाइम बच्चे वैसे 4:30 4 बजे 4 बजे करना शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक है सर जी। हाँ, ट्रेड टेस्ट के लिए। अच्छा सर, ठीक है। जी, उसके बाद अंदर बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक होने के बाद सारा जब वो उसमें ले जाएंगे 10 रुपये करके, हाँ इस बंदे का ग्रुप पहले बच जाता है। ओके सर, तो वो 10 बंदे करके 10 बंदे वो ले जाते हैं, साथ 10 में से फिर 500 बुलाता है अंदर। हाँ ठीक है। और सर, वहाँ पर जो जुगाड़ चल रहा है बहुत तगड़ा सेटिंग चल रही है, बंदे को पास ही कर रहे, कोई कुछ पूछते नहीं है। अच्छा, अच्छा, और सर फिर इसके बाद में पूछने के बाद में बस बाहर डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हैं? आप बता रहे हैं जो आप बता रहे हैं ना, आपको फिर पूछने क्या बोला कि आप कहीं काम किए हैं वहाँ से किया है, काम पे क्या छोड़ कर किया है आपने, तो बोले मतलब इसके बाद बोला कि झाड़ू लगाओ। अच्छा, झाड़ू ले दो 5-5 बच्चे। ठीक, वो 10 बच्चे अंदर ले गए थे, 5 में 5 से बोले पहले आप झाड़ू लीजिए, 5 बोले फर्स्ट आपका ना है, वो फ्लोर है कैसा, कौन सी वाली झाड़ू साफ करना वो आप जानो। अच्छा, बिल्कुल, ठीक। अच्छा सर, उसकी मजदूरी देख के पास करा, उसने एक अधिकारी जो बोल रहा था कि चलो कर दो कर दो, दूसरा हाँ मना करता था बीच में, लेकिन उसने उसे जो कर दिया पास। अच्छा सर, तो आपके मतलब वहाँ पे एकदम ये आप कहना चाहते हैं कि वहाँ पे एकदम खुले में यहाँ पर धांधलीबाजी हो रही है? हाँ सर, ये बताइए तो किसी का क्या नॉलेज टेस्ट कर दोगे, आप पूछ ही नहीं उस बंदे से। हाँ बिल्कुल सर, हाँ बात तो सही है सर आपकी, बिल्कुल सही है। हाँ अच्छा, सारे कल जितना भी हुआ 20 तारीख में, हाँ सारे झाड़ू लगवाए, एक भी बंदा झाड़ू सारे खराब लगा रहे हैं क्या?
हाँ सर, ये बात एकदम यही इंडिकेट करती है कि धांधलेबाजी पूरी तरह से हो रही है। हाँ 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 ये भी सही है। जी सर, क्या रहे आप ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड पूछिए। आप नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछने के बाद कोई क्वेश्चन तो पूछिए ऐसा, उसके रिलेटेड जो भी ट्रेड सेट से है ना सर। जी बिल्कुल। और क्या। हाँ सर, फिर जी जी बोलिए। जी अच्छा सर, अभी यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट, अभी और भी यहाँ पर बात उठने लगी है ये चीज़ की, यहाँ पर दिल्ली में जो है जो ट्रेड टेस्ट चल रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा धांधलेबाजी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अगर कैंडिडेट चाहें तो एक यहाँ पर ट्वीट अगर करना चाहें करें, तो फिर मुझे लगता है इसके खिलाफ़ कुछ बोला जा सकता है। जी तो सर, हम जरूर आप लोगों को सपोर्ट करेंगे और जरूर इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे अगर सारे कैंडिडेट एक साथ आकर खड़े होते हैं तो। जी तो सर इस हाँ 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 बात तो आपकी एकदम सही है और यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट हैं। चलिए मैं अब इसके बारे में अब काफ़ी और भी अगर इस तरह की बातें आती हैं तो मैं अब ज़रूर इसको आगे बढ़ाऊँगा। और सर इसके बाद में आपसे क्या फिर करवाया गया फिर। अच्छा सर, तो केवल मतलब केवल झाड़ू लगवाया बस, इसके बाद में नाम पूछा और सब बाहर बिठा दिया। अच्छा अच्छा सर, और उसमें से क्वालिफाई कितने हुए सर 550 में से। जी अच्छा सर, हाँ ये भी हाँ काफ़ी सही। और सर ये इसके बाद में आपका कितना कुल मिला के टाइम वहाँ पर लगा रहे हैं ये ट्रेड टेस्ट कराने में। अच्छा सर, और सर हाँ सही है। अच्छा सर, तो सर आप इसी मुद्दे पर आप अपनी बात एकदम जो भी अपने भाइयों को अपने साथ शेयर करना चाहते हैं कि उन लोग क्या करें ऐसा कि अभी जितने लोगों को होने वाला है ताकि वो लोग कम से कम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें, या फिर अगर कुछ इस तरह का हो भी रहा है जो सच्चाई है तो उस लोगों को उसको रिवील कर सकें, ऐसा सर क्या कहना चाहेंगे। जी 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 अच्छा सर, चलिए सर। और सर अच्छा, तो ये हो गया सर आप जी जी
हाँ सर, ये भी सही है। हाँ अरे हाँ, वो तो सही है सर। और सर हाँ हाँ ये तो हाँ नोटिफिकेशन में दिया था। हाँ जी, हाँ और क्या। अरे जी, अरे इतना तो हर ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा कि उसको झाड़ू लगाना नहीं आता होगा। अरे उसको 40% मार्क्स तो लाना, इतना तो उसको आता ही है ना सर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। अच्छा सर, और आप ये जरा बता सकते हैं कि जो वहाँ पर दिल्ली में जो ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने इसी रीजन के हैं, नॉर्थ रीजन के हैं या फिर साउथ रीजन के हैं? हाँ हाँ अच्छा, ओके सर। और सर आप अगर लास्ट में अपना कुछ कहना चाहें अपने साथियों को। हाँ जी सर, जी, यानी कि पूरी तरह से तैयार करके जाएं कि अगर आपने कहीं किया भी नहीं है तो एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोलें कि उनको भरोसा हो जाए। जी साथ में किसी का था ऐसा जो का जिसका कंप्लीट हो चुका हो ट्रेड टेस्ट? ओके सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस।